के बारे में। तो ऑपरेटर एक तरीके से देखा जाए तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर हमारा क्या करता है, ऑपरेंड्स के ऊपर हमारा क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन किस तरीके का होगा, जैसे एडिशन ऑपरेशन हो गया, एडिशन हो गया, या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। मैथमेटिक्स में जितने भी अगर हम देखें कोई भी कैलकुलेशन होती है तो वो ऑपरेटर पे ही बेस्ड होता है, और वो सारे ऑपरेटर्स हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। और इसमें ऑपरेंड्स एक दिया गया है वर्ड की हमारे पास ऑपरेटर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन किस पे करेगा, ऑपरेंड्स पर करेगा। वो ऑपरेंड्स क्या होंगे, ऑपरेंड्स का मतलब है वेरिएबल। ये जो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, वो वेरिएबल पे करेगा। हो सकता है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, तो ये आप वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। एक ऑपरेटर होता है, एक हमारा ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेंड्स होता है। इन्हीं ऑपरेंड्स के बीच में हमारा ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो एडिशनल ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस ऑपरेंड्स के बारे में अगर बात करें तो ऑपरेंड्स हमारा क्या है, वेरिएबल भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था कि वेरिएबल हमारा केस सेंसिटिव होता है या फिर जावास्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव होता है। हम कैपिटल में अगर हम n1 लिखते हैं तो वो अलग माना जाएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो अलग माना जाएगा। तो वेरिएबल के कुछ रूल्स में हमने देखा था कि वेरिएबल में स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं यूज कर सकते। जैसे टोटल प्राइस है तो हम टोटल अंडर स्कोर प्राइस लिख सकते हैं, टोटल स्पेस प्राइस नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हमने और भी कुछ उसमें देखा था कि हमारा वेरिएबल हमेशा क्या होगा, स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता है कोई भी वेरिएबल का नाम। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, बट अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि वेरिएबल क्या है। ये वेरिएबल हो गया या कांस्टेंट हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ऑपरेंड्स के नाम से भी जाना जाता है, एक कॉमन नेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कांस्टेंट में बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट जैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, 3 लिख दिया, 45 लिख दिया, 23, कोई भी नंबर लिख दिया, ये एंड सो ऑन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाएगा। बट ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल में हम लोग भी नंबर रखते हैं, जैसे हमने n1 = हमने 5 लिख दिया, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमने वेरिएबल में वैल्यू को होल्ड कराया है। बट अगर हमने कभी इस तरीके से डायरेक्ट लिखा है बिना वेरिएबल की हेल्प से, तो वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हमने पाई एरिया ऑफ द सर्कल लिखते हैं ना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप पाई लिखते हो, पाई इंटू आर होता है, तो ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो पाई का मान हमारा क्या होता है, पाई का मान हमारा क्या होता है, 3.14 या 22/7 होता है, 22/7। तो हम इसमें अगर हम देखें एरिया इज़ टू 3.14 अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बट मल्टीप्लाई आर हो गया, मल्टीप्लाई आर हो गया, ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। जब हम किसी भी नंबर्स को डायरेक्ट लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, फिक्स होता है। तो पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो दैट्स व्हाई इट वन इज द, जैसे कभी कभी हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हम लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें तो इसके लिए भी क्या, 1/(right angle triangle) होता है ना, 1/(2)(base)(height). तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये 1/(2) हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया है, और ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए हैं। अब वो अलग बात है कि हम यहाँ पे आर का मान कुछ भी यूजर से लेंगे,
देश का भी मान हमें कहीं ना कहीं से, देश की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें यूजर से लेनी पड़ेगी, हाइट की भी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं यूजर से लेनी पड़ेगी, बट ये हमें यूजर से लेकर के इन वेरिएबल में वैल्यू हमें डालना पड़ेगा यूजर से लेकर के, बट यहाँ पे ये चीजें क्या, ये नहीं चेंज हो सकता, ये हमारा फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, बट इनकी वैल्यू दैट में भी द चेंज। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, वो हमारा क्या है, वेरिएबल। वैरी का मतलब होता है जिसको बार बार चेंज हो सके, बट ये कॉन्स्टेंट हमारा क्या, फिक्स है, दैट नेवर कैन चेंज। 1/2 ये हमारा फिक्स रहेगा, अगर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला है तो, अगर हमने एरिया ऑफ द सर्कल निकाला है तो ये पाई आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। इसमें हमारे पास 3.14 क्या, ये फिक्स हो जाएगा, बट रेडियस हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि हर सर्कल का रेडियस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो चेंज होता रहेगा, बट ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो दैट वन इज द कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो वेरिएबल अलग होता है, कॉन्स्टेंट हमारा अलग होता है। अभी हम यहाँ पे अगर बात करें, जैसे यहाँ पे आर है ना, तो ये रेडियस हो सकता है, हमने N1 की जगह पे आर दे दें, और यहाँ पे हमने जो N1 लिखा ना, ये हमारा आर भी हो सकता है। तो रेडियस हमने एक आर मीन्स इज द रेडियस, इसको आप पूरा लिख सकते हो, रेडियस मीनिंगफुल दे सकते हो, और यहाँ पे भी आप मीनिंगफुल दे सकते हो। तो ये पाई इंटू आर, दैट मीन्स आर मीन्स रेडियस, ये रेडियस हमारा क्या हो गया, हमने रेडियस नाम का वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में एक रेडियस की वैल्यू दे दिया, दैट मीन्स सर्कल का जो हमारा रेडियस होता है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल से जो पूरा को पूरा सर्कल में हमारा, अगर हमें पता हो कि रेडियस का सर्कल क्या होता है, सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें एक बार देख लेना आप, कि कैसे हम किसी भी सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, या फिर हम किसी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ये सारा चीज़ आना चाहिए, ये बस और बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कैसे हम डिफर करेंगे, और इनका जो हम लोग ये सारी एक्सरसाइज भी करेंगे आगे चल करके, तो इनका केवल और केवल मीनिंग ये है कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन ऑपरेटर के बारे में जानकारी होना चाहिए, वेरिएबल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या है, कि अगर हमारे पास छोटा सर्कल होगा तो उसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा सर्कल होगा तो बड़ा रेडियस होगा, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल हमारा क्या है, वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट पाई की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स है, वैसे ये हमारे क्या, ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है, अगर हमने डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख दी, दैट वन इज द कॉन्स्टेंट। ऐसे ही हमारे पास करेक्टर कॉन्स्टेंट भी होते हैं, अगर हमने उनको सिंगल कोड में कहीं पे भी लिख दिया ना, तो वो फिक्स माना जाएगा, दैट वन इज द कॉन्स्टेंट। ऐसे अगर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी वैल्यू लिख दी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। कहीं कहीं आपको स्ट्रिंग लिटरल्स भी मिलता है, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल बोल सकते हो या फिर आप कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, कहीं कहीं आपको स्ट्रिंग लिटरल भी मिलेगा, तो दैट वन इज द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हमने लिखा है, तो वो स्ट्रिंग माना जाएगा। इवन आपने कोई, मान लीजिए नंबर आपने ऐसे लिख दिया 55, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक स्ट्रिंग माना जाएगा, बट ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको चाहे तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख सकते हो, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। न्यूमेरिक स्ट्रिंग में आप कोई भी डबल कोट में आपने क्या कर दिया, नंबर डाल दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। वो पॉइंट वाली भी वैल्यू हो सकती है, विदाउट पॉइंट वाली भी वैल्यू हो सकती है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप अगर न्यूमेरिक, जैसे आपने न्यूमेरिक स्ट्रिंग की बात किया, वैसे
न्यूमेरिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे सिंगल कोड में आपने अगर कुछ इस तरीके से पास कर दिया हुआ है, यहाँ पे दो अल्फा दो डिजिट का नंबर नहीं पास कर सकते हैं, एक ही डिजिट का नंबर पास होगा, क्योंकि कैरेक्टर के लिए जरूरी होता है कि कोई एक डिजिट होना चाहिए, कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए, तभी वो कैरेक्टर एज अ ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर कर दिया तो वो एक वर्ड माना जाएगा या स्ट्रिंग मानी जाएगी। हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें तो सिंगल कोड डबल कोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल कोड में भी हम लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल कैरेक्टर ही लिखे जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो डबल कोड में। अगर आपने डबल कोड में अगर आपने एच लिख दिया, दिस वन इज द ऑल्सो स्ट्रिंग इज देयर। अगर आपने डबल कोड में कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डबल डबल नंबर्स लिखा है, अगर आपने डबल कोड में अगर आपने कोई नंबर्स ऐसे डाल दिया, दिस वन इज द ऑल्सो न्यूमेरिक स्ट्रिंग। आपने डबल कोड में अगर कोई चीज लिखी तो ऑफकोर्स दैट वन इज द स्ट्रिंग, नो डाउट इज देयर। बट अगर नंबर लिखा है तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग माना जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिक स्ट्रिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है ना, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये 55 है, अगर हम ये डबल कोट में लिख दिया जस्ट लाइक दैट, सपोज दैट हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल v1 करके है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कोट में 55 पास कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रिंग वैल्यू उसमें चली गई। अब इसको अगर अगर इन फ्यूचर अगर हमें इसको ज़रूरत पड़ी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, पार्स इंट एक फंक्शन होता है, पार्स इंट एक फंक्शन होता है जो इस v1 को क्या करेगा, कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर। दैट मीन्स इसको हम नंबर में कन्वर्ट करके 55 को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिक स्ट्रिंग भी कभी कभी हमारे पास जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम यूजर से जब भी इनपुट कराते हैं तो वो हमारे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही डेटा मिलता है, तो उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टेंट कैसे हम न्यूमेरिक स्ट्रिंग को कैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और कब जरूरत पड़ती है इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की, और हम इस फंक्शन का यूज कब करेंगे, ये भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे डिटेल। और यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो गई, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर्स हो गए, कॉन्स्टेंट, ये आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो गए, स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो गई ये। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है या फिर ये वेरिएबल्स हैं, दीज आर नोन एज द ऑपरेंड, ये सब क्या बोले जाते हैं, ऑपरेंड। और इसी ऑपरेंड के बीच में, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है, तो ये हमारा क्या ऑपरेटर है, दिस वन इज द ऑपरेटर, दिस वन इज द ऑल्सो ऑपरेटर, दिस वन इज द ऑल्सो ऑपरेटर, बट दीज आर द ऑपरेंड, दिस वन इज द ऑपरेंड। तो ऑपरेटर हमारा क्या करता है, इन ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने का काम करता है, दैट मीन्स कैलकुलेट करने का काम करेगा कौन, ऑपरेटर। तो इसी ऑपरेटर के कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं, हम उन्हीं कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेटर्स के कौन कौन से कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात करेंगे, जैसे आपको दिया टाइप ऑफ ऑपरेटर, इनमें एक आपको दिया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं, और इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं, प्लस के बारे में तो पता है, ये किसी दो नंबर को जोड़ने का काम करेगा, ये दो नंबर को घटाने का काम करेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये दो नंबर डिवीजन करने के लिए। बट मॉडुलस ऑपरेटर जो हमारा परसेंटेज वाला ऑपरेटर होता है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के फील्ड में इसका यूज किस लिए किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए, किसी रिमाइंडर वैल्यू को निकालने के लिए। ये रिमाइंडर वैल्यू होती क्या है, आज ये देखते हैं रिमाइंडर वैल्यू क्या होती है। ये हमारा होता है
जैसे अगर हमने 24 है, 24 है, 24 में अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा जीरो आएगा। अगर हम 24 अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, 5, अगर हमने यहाँ पे 24 की जगह पे 5 कर दिया और 4 की जगह पे 2 कर दिया, तो 2 2 4 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 5 मॉड 2 किया तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 की 24 की जगह पे 5 कर देंगे और 4 की जगह पे 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसमें जो डिवाइड के लिए दिया गया है, अगर हम सिंगल डिवाइड ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका रिजल्ट हमें पॉइंट में मिलेगा 2.5। बट अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम डिवीजन लगाएंगे, तो इस केस में क्या करेगा, ये फ्लोट वाली वैल्यू स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब ये है, सपोज दैट अगर हमने n1 में क्या लिया, n1 इक्वल टू अगर हमने 5 लिया और n2 इक्वल टू क्या किया, 2 ले लिया, और इसका रिजल्ट हमें निकालना है, तो हमने n1 डिवाइड बाई अगर हमने n2 इस तरीके से लिखा है तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। अगर हमने इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसमें आएगा 2.5। इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2.5 मिलेगी। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से लिखा होता तो क्या होता, अगर हमने एक डिविजन की बजाय अगर हमने 2 टाइम्स डिवीजन लगाते तो इस टाइम पे रिजल्ट की वैल्यू क्या आती, 2 आती। दैट मीन्स ये पॉइंट वाला वैल्यू क्या करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा। तो यही आपका फ्लोट डिवीजन के लिए, आपका अगर पॉइंट में वैल्यू होता तो उसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। तो फ्लोट डिवीजन के लिए हम सिंगल डिवाइड का यूज करते हैं। अगर हमें इंटीजर डिवीजन चाहिए होगा, दैट मीन्स उसका रिजल्ट इंटीजर में चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए 2 टाइम डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम रिमाइंडर वैल्यू की बात करें, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया जाएगा रिमाइंडर के लिए। अभी इसका एक्सरसाइज भी करके देखेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका कोशेंट क्या आया है, ये कोशेंट होता है जो ऊपर आपका रिजल्ट में आता है, ये कोशेंट होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें हमने 5 लिया था, इसमें हमारा 2 था। अगर हम मॉड निकालेंगे तो मॉड के केस में क्या होगा, 2 हमारा क्या आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा, और 1 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है जो हमारा रिमेनिंग बचेगा आफ्टर डिविजन, एक तो कोशेंट हो जाता है और एक रिमाइंडर हो जाता है। तो ये हमारा कोशेंट हो जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर। इसमें अगर देखें 24 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कोशेंट हमारा 6 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने ये लिया था ना, यहाँ पे हमने दिया था n1 = 5, n1 = ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसको हम इक्वल टू के जगह पे इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड पे, उसको क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने का काम करता है। दैट मींस ये RHS को, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे n1 में अगर हमने 5 ट्रांसफर किया तो इसका मतलब है ये 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, n1 में। n1 इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 क्या है, हमारा राइट हैंड साइड। सो
इसलिए 5 इज ट्रांसफर इनटू n1, इसलिए हमारा 5 कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, n1 में। क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी राइट साइड में वैल्यू दी गई है उसको लेफ्ट साइड में होल्ड कर देगा। और यहाँ पे ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं, दिस वन इज द राइट हैंड साइड एंड इट वन इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS ये होता है और RHS ये होता है। तो RHS को कहाँ पे, LHS में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर में आपको मिलेगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड दिस वन इज द इक्वल टू। इसको हम कंपेयर ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, कंपेयर करने का काम। ये डबल इक्वल टू जो हम लगाते हैं ये कंपेयर करने का काम करता है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं, इट्स कंपेयर बोथ साइड इक्वल और नॉट। ये क्या करेगा, दोनों साइड चेक करने का काम करता है कि दोनों साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है या नहीं है। कौन करेगा, कंपेयर करने का काम, ये डबल इक्वल टू बोलता है। इसमें पता कैसे चलता है, अच्छा ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, इसके लिए हम थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लेस देन का साइन है कि ग्रेटर देन का साइन है। तो इसके कंफ्यूजन के लिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जिधर के साइड हमारा क्या होता है, ये क्लोज होगा एरो, वो हमारा लेस देन होता है, और जिधर के साइड पे हमारा क्या होता है, ये ओपन होता है, वो हमारा ग्रेटर देन होता है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट हमेशा रीडिंग हमारी होती है। तो अगर हम इधर से आएंगे तो हमारा इधर क्लोजिंग वाला सेक्शन मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। अगर हम इधर से इसके बारे में ट्रीट करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम चलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये ओपन वाला हमें मिलेगा, तो ओपन वाले के केस में क्या होगा, दैट मीन्स ये हमारा ग्रेटर देन का हो जाएगा। हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं हम लोग, इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इधर से हमेशा कंसीडर करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमारा पहले ये मिल जाएगा तो इसका मतलब क्लोजिंग वाला सेक्शन पहले मिलेगा तो इसका मतलब लेस देन है, अगर ओपनिंग वाला पहले मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन है। इसको लेस देन आर इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोलते हैं, इट वन इज द नॉट इक्वल टू बट इट वन इज द कंपेयर बोथ साइड इक्वल और नॉट। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 इज ग्रेटर देन 4। इसको अगर हम इनकरेक्ट तरीके से पढ़ते तो कैसे पढ़ते, जैसे अगर हम राइट साइड से पढ़ना शुरू करें, इधर से 4 के साइड से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो ये हो जाएगा 4 इज लेस देन 5। ये भी बात तो सही कही जा रही है लेकिन पढ़ने का तरीका गलत हो गया। जैसे अगर हम कहें 4 छोटा है किससे, 5 से, ये बात सही है या गलत, ये सही है बट पढ़ने का तरीका हमारा गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं और इस केस में हमने क्या कर दिया, राइट टू लेफ्ट पढ़ दिया, तो दैट वन इज द नॉट प्रॉपर वे। ये प्रॉपर वे नहीं है कि हम कभी राइट से लेफ्ट जाएं कभी लेफ्ट से राइट जाएं, तो एक ही हमारा होता है वे ऑफ द रीडिंग, लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम सही तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो 5 इज ग्रेटर देन 4, चाहे आप बोलिए 5 बड़ा है 4 से या आप कहिए 4 छोटा है 5 से, दोनों में बात सही कही गई है, गलत एक भी नहीं है। आप कहते हो 5 बड़ा है किससे, 4 से, ये बात सत्य है, इट मीन्स द ट्रू। अब अगर किसी ने कह दिया कि 4 लेस है, दैट मीन्स 4 छोटा है किससे, 5 से, तो ये भी बात 100% सही है, बट लिखने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो ये पढ़ने का तरीका सही नहीं है। कोई अगर इस तरीके से पढ़ता है, राइट साइड से, फोर छोटा है किससे, फाइव से, तो ये तरीका क्या है, सही नहीं है पढ़ने का। तो हमेशा हम किस तरीके से पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे, फाइव अगर इस साइड ओपन किया गया है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो फाइव बड़ा है किससे, फोर से। तो अगर किसी ने ऐसे पढ़ दिया फोर इज लेस देन फाइव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हम राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते। तो इसको सही तरीका पढ़ना है तो आप पढ़िए, फाइव इज ग्रेटर देन फोर, फाइव हमारा बड़ा है किससे, फोर से। तो जिस तरीके से लिखा जाए आप उसी तरीके से आप क्या करिए, उसको रीड करिए। ये नहीं कि आप कभी लेफ्ट टू राइट पढ़ो, कभी राइट टू लेफ्ट पढ़ो, अदरवाइज अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो कंफ्यूजन निकालना है तो आप क्या करो, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ो, बिकॉज वी ऑलवेज रीडिंग लेफ्ट टू राइट, सो वी ट्राई टू दैट रीडिंग लेफ्ट टू राइट, फाइव इज ग्रेटर देन फोर। तो ये हमारा लेस देन का साइन हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन का गया। रिलेशनल ऑपरेटर यूज कहाँ पे किया जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट द कंडीशन। ये जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए गए हैं, इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कंडीशन क्रिएट करने के लिए। देखते हैं कंडीशन किस तरीके से बनाई जाती है। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट द कंडीशन। कंडीशन कहाँ पे यूज की जाती है प्रोग्रामिंग में, कंडीशंस आर यूज इन मैनी स्टेटमेंट सच एज, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। हम कंडीशन को इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट में भी यूज करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट में भी यूज करते हैं। तो आगे चल करके जब हम ये सारे स्टेटमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ पे यूज किया जाएगा और रिलेशनल ऑपरेटर से कैसे कंडीशन बनाई जाएगी और वो कंडीशन कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इन स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर का पर्पज क्या है यूज करने का, टू क्रिएट द कंडीशन। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे, कंडीशन को क्रिएट करने के लिए। तो आगे चल करके देखेंगे जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे कंडीशन बनती है। और ये चीजें हम लोगों ने देख ही लिया था अभी, लेस देन ये ग्रेटर देन का हो गया, ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। इसका काम क्या है, कंपेयर करना बोथ साइड इक्वल और नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट द कंडीशन, कंडीशन और यूज टू यूज विथ कंडीशनल स्टेटमेंट, दीज आर लाइक दिस जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड हम लोग पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या, रिलेशनल ऑपरेटर में इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन स्विच केस पढ़ेंगे, देन लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन वन है और कंडीशन टू है, तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर ये हमारा पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। इसका एक ट्रूथ टेबल होता है। अगर हम बात करें, सपोज दैट हमारे पास दो कंडीशन है, सी वन कंडीशन है और सी टू कंडीशन, और इसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर मान लीजिए हमारा क्या है, ट्रू है, पहली कंडीशन सपोज दैट ट्रू है, बट दूसरी कंडीशन क्या है, ये भी ट्रू है, तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या देगा,
रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट इन केस मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, बट दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या देगा, फाइनल रिजल्ट में ये हमारा फॉल्स देगा। एक भी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, वो आपका ट्रू होगा तब पर भी क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और अगर मान लीजिए पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तब तो ऑफ कोर्स फॉल्स ही देगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, जैसे पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन सही है दूसरी कंडीशन गलत है, पहली कंडीशन सही है दूसरी कंडीशन भी सही है, तब जा करके सही स्टेटमेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। इसको ये ट्रू फॉल्स कहाँ पे यूज करेंगे, आगे चल करके जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये कंडीशन ट्रू फॉल्स क्या है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कंडीशन, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 इज ग्रेटर देन 4 कुछ इस तरीके से है, तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं n1 इज ग्रेटर देन n2, तो कभी n1 और n2 की वैल्यू क्या होती है, ये वेरिएबल है तो ये चेंज होते रहते हैं, कभी n1 में 2 आ जाएगा, कभी n1 में 6 आ जाएगा, कभी n1 में 0 आ जाएगा, कभी n1 में माइनस में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है इन वेरिएबल की। तो कंडीशन कभी हो सकता है सही हो, कभी कंडीशन हो सकता है गलत हो, तो ये कंडीशन अगर सही होता है तो आपको ट्रू बोला जाता है, अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो फॉल्स मानी जाती है। तो इन कंडीशंस को हम लोग आगे देखेंगे कि ये कंडीशन कहाँ पर यूज की जाती है और कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, तो इफ एल्स में ज़्यादातर क्लियर हो पाएगा। बट अभी के केस में आप इतना समझ लो कि लॉजिकल ऑपरेटर आपका जो भी होगा वो मल्टीपल कंडीशन को कंबाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमें लगानी होती है तो हम ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऐसे ही लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि इसमें इसका कुछ टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसका 10 अगर ये हमारा ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा ये लॉजिकल और में अगर हमें यहाँ पे और ऑपरेटर हमने यूज किया क्या होगा, और के केस में क्या होगा कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है कंडीशन, तो ट्रू के साथ देगा, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इस केस में भी ये ट्रू देगा। अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तब जाकर के ये फॉल्स है लॉजिकल और के केस में। नॉट ऑपरेटर इसका एक्सरसाइज के साथ जब हम लोग देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा नॉट के साथ। नॉट ऑपरेटर जो होता है इसका हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें जो रिलेशन, जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सबसे पहले हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे हमारे पास दो नंबर का एडिशन हो गया, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन हो गया, दो नंबर के डिवीजन हो गए, अगर कुछ इस तरीके से करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। दो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं,
इन द फर्स्ट नंबर आईडी का कुछ नाम दे देते हैं। इन द सेकेंड नंबर इनपुट टाइप नंबर आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे हमने कोई बटन बना दिया बटन और इसकी वैल्यू दे दिया ऐड कर दिया। इसके ऑन क्लिक पे हमने क्या किया एक फंक्शन को कॉल कर दिया और वो फंक्शन का नाम क्या है सम या ऐड एडिशन। तो इसमें हमने क्या किया है इंटर फर्स्ट नंबर एन वन लिया है टी एन वन करके इंटर सेकंड नंबर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिया है टी एन टू किया है और इसी में हमने एक बटन बनाया है इस बटन पे एडिशन नाम का फंक्शन को कॉल किया है। इसी को मैं एक सेव एज कर ले रहा हूँ क्योंकि ये किसी दूसरी फाइल में था। इसकी डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो इसकी डिज़ाइन किस तरीके से दिखेगी किस तरीके से इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर और ये ऐड का बटन है। इसके ऐड वाले बटन पे अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल कर बनाना होता है तो हमने देखा था कि हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन फंक्शन का नेम। फंक्शन लिखने से पहले हमें हेड के अंदर क्या लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट तभी ये फंक्शन को कंसीडर करेगा नहीं तो फंक्शन को ये पहचान नहीं पाएगा। फंक्शन फंक्शन का नेम एडिशन और यहाँ पे वेरिएबल हमने ले लिया एन वन एन टू और एक रिजल्ट। एन वन इज इक्वल टू हमने दे दिया एक डॉक्यूमेंट नाम का हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है इसी के अंदर एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट वाई आईडी। एक फंक्शन होता है इस आईडी को चाहिए क्या एक आईडी चाहिए इस फंक्शन को क्या चाहिए एक आईडी चाहिए और इसी आईडी के हेल्प से क्या करेगा उसकी वैल्यू निकाल करके कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा एन वन में क्योंकि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड की साइड की वैल्यू हो जाएगी तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही एन टू में ट्रांसफर कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी टी एन टू। इसकी भी वैल्यू ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे एन टू में और इसको हम रिजल्ट में ट्रांसफर करना होगा तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्स इन एन वन प्लस पार्स इन एन टू। ये कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू लेंगे वो वैल्यू एज अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग के तौर पे आएगा एन वन में
एडिशन करने के लिए हमें स्ट्रिंग पे तो एडिशन कर नहीं सकते, उसके लिए हमें नंबर चाहिए, तो नंबर में कन्वर्ट किया गया है परसेंट की हेल्प से। और यहाँ पे अलर्ट फंक्शन हमने लगा दिया सम ऑफ टू नंबर रिजल्ट। और फंक्शन हमारा यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये हमारा देखना होगा, ध्यान देना होगा कि ये हमारा स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और ये जो हमने आईडी दी है, ये आईडी हमारी यहाँ से मैच करनी चाहिए, तभी इस जो टेक्स्ट बॉक्स है, पहला टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसमें आएगी और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसमें आएगी। तो ये वाला जो नाम आप यहाँ पे दोगे ना, ये वही सेम यहाँ पे होना चाहिए, बाकी यहाँ पे आप कुछ भी दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों मैच करने चाहिए, बाकी आप यहाँ पे वेरिएबल क्या लेते हो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, इससे कोई लेना देना नहीं होता। कुछ नंबर यहाँ पे देते हैं और यहाँ से हम एड ऑन करते हैं। नंबर यहाँ पे दिया और ये कल का खुल गया क्या? उस टाइम पे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज किया था सब ऑफ टू नंबर का, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास जो यहाँ पे लगेगा ना, ये प्लस ऑपरेटर लगेगा, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू और स्ट्रिंग को साथ में अगर हमें यूज करना है, तो जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगता है, कॉमा लगता है, वहाँ पे वेरिएबल और मैसेज को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें सम अप टू नंबर का, पार्सेंट करके भी देखा था हम लोगों ने, विदाउट पार्सेंट करके भी देखा था, तो ये कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है, अगर हमने प्लस लगा दिया तो बिना पार्सेंट किए, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, प्लस अगर लगाना है तो ये वेरिएबल और मैसेज को आपस में कॉन्कैटिनेट करेगा, कॉमा करोगे तो वो आपका रिजल्ट नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, कॉमा हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्लस का यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में अगर डिस्प्ले एक साथ करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे वेरिएबल और मैसेज को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसी में और भी एक्सरसाइज अगर हम करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कभी कभी हमारे पास मैसेज चेंज हो जाते हैं, बट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स अगर हमें करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें हमें जस्ट सम ऑफ टू नंबर की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर हो जाएगा, और प्लस की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का हो जाएगा ऑपरेटर। और फंक्शन का नाम आप यहाँ पे इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग आप रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी आपका काम करेगा वैसे ही।
ऐसा नहीं है तो कि आप एडिशन लिखोगे तो काम नहीं करेगा, बट आप इन फ्यूचर कभी अगर आपने कोड देखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अपना ही कोड देख करके। तो देखो आप ऐसे भी अगर आप करते हो तो काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपका ये रिजल्ट देगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर का भी देगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ देखिए वेरी, आपने बटन का नाम क्या लिखा, ऐड, रिजल्ट आपको क्या देगा, मल्टीप्लाई का, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 25। तो आप यहाँ पे देखिए आपने इसमें क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मल्टी लिख दिया तो आप क्या होगा, अभी वही सेम चीज रहेगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे ऐड लिखा था ना आपने, वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टी लिख करके आएगा, बट रिजल्ट आपका वैसे ही देगा। बट यहाँ पे इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हमने सुधार दिया तो ये तो यूजर के लिए हो गया, लेकिन अगर हमें इंटरनल फंक्शनैलिटी अगर हमने चेंज नहीं किया, ये फंक्शन के नेम अगर हमने ऊट पटांग रख दिया, आपने मल्टीप्लाई का काम किया है बट आपने एडिशन फंक्शन रख दिया, तो बाद में यही अगर मान के चलिए कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो इन फ्यूचर ऐसा तो है कि तुरंत जब काम करते हो तो सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जब आप साल 2 साल 4 साल 6 साल बाद अगर आप उसमें कोई मेंटेनेंस का काम करते हो, अगर आपने क्या किया है, मीनिंगफुल आपने फंक्शन का नाम वेरिएबल का नाम नहीं दिया है, तो 2 4 साल के बाद आप वही कोड अगर देखोगे ना तो बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत नया नया कोड लगेगा, फिर आप कहोगे ये वेरिएबल क्यों लिया गया है। तो पूरा कोड आपको क्या करना पड़ेगा, रीड आउट मारना पड़ेगा, फिर से आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ यूज किया गया है। अगर नाम अगर आपने सही सही रखा है, मीनिंगफुल रखा है, तो आप देख करके समझ जाओगे कि अच्छा ये फंक्शन का काम ये है और ये फंक्शन का काम यहाँ यहाँ पे यूज हो सकता है। तो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप फंक्शन का नाम मीनिंगफुल रखोगे तो बेहतर रहेगा, ताकि यूजर को भी समझने में आसानी हो और आप फ्यूचर में भी वर्क करते हो उसमें मेंटेनेंस का काम तो आपके लिए भी आसान हो। अगर हमने एक हमारे पास होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर लिखा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालना होता है तो उसमें भी होता है लेंथ इनटू विड्थ, उसमें भी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, सिर्फ यहाँ पे इंटर द फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और इंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम एरिया निकालना है तो हमने एरिया दे दिया, एरिया निकालना है तो एरिया, और यहाँ पे मैसेज में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो आपको वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा, ये हमारा विड्थ हो जाएगा। अब वेरिएबल का नाम भी अगर आप लेंथ विड्थ रखना चाहते हो, एल और वी रखना चाहते हो, तो आपके ऊपर है, अदरवाइज आपको इतना तो एटलीस्ट चेंज करना ही पड़ेगा कि मैसेज कम से कम सही हो, नहीं तो यूजर के पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, जब भी वो चाहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने लेंथ डाला, विड्थ डाली, और ये क्या किया, देखिए यहाँ पे मल्टी लिख करके आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया फंक्शन बना दीजिए, या कैलकुलेट करके कर दो अगर कॉमन नेम देना चाहते हो तो। इससे क्या होगा, वहां पे कैलकुलेट लिख करके आएगा, जैसे ही वो क्या करेगा, वैल्यू डाल करके कैलकुलेट करेगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेट, यूजर फ्रेंडली इसी को बोलते हैं। अब यूजर
आसानी से समझ ले आपके स्क्रीन को कि आप क्या चाहते हो आप यूजर से। तो ये हमारा क्या है, बेसिक एक्सरसाइज है। इस पे थोड़ा बहुत आप क्या करिए, अर्थमेटिक से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज है आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सरसाइज के साथ, ठीक है? ओके सर, इसके लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है सर।